चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी उपाय दिए गए हैं। इस नीति का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर पहलू के बारे में मुख्य शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीति की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठाया। आइए जान लेते हैं चाणक्य की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं जरूर काम में आएंगी। नमस्कार दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं, तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम आपको कुछ ऐसे आसान से उपाय बताएंगे जिन्हें करके आप अपने रोजमर्रा के जीवन को सुखमय बना सकते हैं और इन उपायों को करके आप बरकत पा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कौन है जो माता लक्ष्मी की कृपा ना चाहता हो? यदि आप भी माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में धन कमाता है, धन के बिना जीवन चलाना संभव नहीं है। वह धन अपने जीवन में जरूर कमाना चाहता है। धन के बगैर आप सुख सुविधाओं वाला सामान भी नहीं खरीद सकते। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन तो बहुत सारा होता है लेकिन इनके पास धन टिकता नहीं, जिसकी वजह से वे काफी परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे उपाय बताएंगे जिनको आपको रविवार के दिन करना है, क्योंकि रविवार भगवान सूर्य देव का दिन होता है और सूर्य देव को सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। यदि आप सुख समृद्धि चाहते हैं तो रविवार की रात को अपने सिरहाने एक गिलास पानी में थोड़ा सा दूध डालकर सोइए। इस गिलास को ऐसी जगह रखें ताकि सोते वक्त आपका उसमें हाथ न लग जाए और वह गिलास गिरे नहीं। फिर सुबह उठें और इस गिलास के पानी को बबूल के पेड़ की जड़ में जाकर डालें। ऐसा करने से आपके घर में धन टिकने लगेगा और आपको शांति का एहसास होगा। यदि आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है, आपके काम में अड़चन आ रही है, तो रविवार के दिन एक काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलाइए या फिर काली चिड़िया को दाना डालिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही रुकावटें अड़चने सभी दूर हो जाएंगी। ऐसा भी माना जाता है कि यदि रविवार के दिन काले तिल या काली उड़द का दान दिया जाए तो ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है। इसके साथ ही आपके ऊपर शनि देव की कृपा बनी रहती है। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठें और उठने के पश्चात नहा धोकर सूर्य देव को जल दें। जल देते समय सूर्य देव के दर्शन जल की धार में से करें। ऐसा करने से आंखों की ज्योति बढ़ती है और आप बीमारियों से बचे रहते हैं और आपके घर परिवार के सदस्यों के पास भी बीमारियां नहीं भटकती। और यदि आप रविवार के दिन जल चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का ओम सूर्याय नमः का जप करते हैं तो सूर्य देव की कृपा तो मिलती ही है, इसके साथ माता लक्ष्मी की अपार कृपा भी आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक चौमुखा दीपक जलाइए। चौमुखा दीपक यानी कि जिसके चार मुख हो, जिसे आप चार तरफ से जला सकते हो। ऐसा करने से आपके व्यापार में दिन दोगुनी और रात चौगुनी वृद्धि होगी और धन आने के कई सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना ही नहीं, घर में सभी प्रकार की समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, आप पैसा तो खूब कमाते हैं लेकिन पैसा व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाता है, घर में टिकता नहीं है। इसके लिए आप यह उपाय करें, सुबह के समय शुभ मुहूर्त में उठकर एक लाल रंग का रेशमी कपड़ा लें, उसमें 21 दाने अक्षत के डालें, यानी कि साबुत चावल के दाने हो, साबुत चावल के दाने होने चाहिए, दाने टूटे नहीं होने चाहिए। इसके बाद आप माता लक्ष्मी का पूजन करें। पूजन करते समय चावल की उस पोटली को वहीं लक्ष्मी जी के समीप चरणों में रख दें और पूजा करते समय माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामनाएं मांगे और उसके बाद वह चावल की पोटली को अपने पर्स या फिर पैसे रखने की जगह पर रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएगी। धन प्राप्ति के लिए सुबह उठने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर देखें और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु और माता सरस्वती भी प्रसन्न होती है। अगला है, सुबह जल्दी उठकर यदि घर की गृहिणी यानी घर की औरत एक लोटा जल अपने मुख्य द्वार यानी दहलीज पर डालती है तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी के आने के सभी रास्ते खुल जाते हैं।
घर में पैसा रखने की अलमारी का मुख भी उत्तर दिशा की तरफ रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है। ध्यान रखें, उत्तर दिशा की तरफ ही अलमारी का मुख होना चाहिए। घर की गृहिणी ही घर की लक्ष्मी मानी जाती है, इसलिए उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अपनी आय में से अपने माता पिता को एक निश्चित हिस्सा हर महीने जरूर दें और रात को सोने से पहले अपने पॉकेट के पैसे को निकाल कर और उन्हें गिन कर सोना चाहिए और विनती करनी चाहिए कि पैसा तुम मेरे पास आओ और जो रास्ता तुम्हें सही लगे उस रास्ते से आओ। हे धन, तुम तीन गुना आओ, बिना किसी को नुकसान पहुंचाकर मेरे पास आओ। हम तुम्हें स्वीकार करने को तैयार हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नोटों की गिनती उंगलियों पर थूक लगाकर नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। हमेशा पानी से ही नोट गिनने चाहिए। हल्का सा हाथ में पानी लगा ले। अगला है, कभी भी सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही और प्याज नहीं देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कभी भी चीजें, किसी भी व्यक्ति को ये चीजें नहीं देनी चाहिए, नहीं तो घर में बरकत नहीं होती, घर की लक्ष्मी चली जाती है। और घर में झाड़ू किसी साफ जगह पर और एक सुनिश्चित स्थान पर रखें। झाड़ू को हमेशा लिटाकर ही रखें, कभी भी झाड़ू को खड़ा करके ना रखें, ना ही उसे कभी पैर मारें, क्योंकि इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं। यदि आप झाड़ू में पैर मारते हैं या झाड़ू को आते जाते लांगते रहते हैं। और दोस्तों, यदि आप झाड़ू को सटाकर यानी कि आपस में चिपकाकर दो झाड़ूओं को रखते हैं तो इससे घर में कलेश बढ़ता है, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। इसलिए झाड़ू को, दो झाड़ुओं को आपस में चिपका कर नहीं रखना चाहिए। जहाँ गंदगी रहती है वहाँ भी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती, इसलिए अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। यहाँ वहाँ गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। और यदि घर में कोई ऐसी चीज है जिसका आप इस्तेमाल लंबे समय से नहीं कर रहे हैं तो उसे घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए आपको उस चीज को घर से निकाल के बाहर रख देना चाहिए या फेंक देना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन पर जरूर दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।